हरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हृदय एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट से। तो ये जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी की जो तीन वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उनका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले जो है हम पहले ये जान लेते हैं, लेट सपोज कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाती है। तो लेट सपोज हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और वो एक्सपेरिमेंट लेट सपोज मेजरमेंट किए कुछ, तो एक किया, दो किया, तीन किया, डेट 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 ए एन, हमें नहीं पता हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए या कितने मेजरमेंट किए। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे हैं, ठीक है, उनका मीन निकालिए, तो मीन कैसे निकाल सकते हैं? मीन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में ए मीन बराबर में जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे सबका एडिशन कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ए वन, ए टू, ए थ्री, डैश 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 ए एन, और टोटल नंबर कितने करें हमने, एन करें। ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा कि इसको अब भाई ऐसा नहीं है कि 100 करें हमने मेजरमेंट, है ना, तो 100 थोड़ी ना लिखता चलूंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनका एक समेशन के रूप में एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ए मीन इक्वल्स टू है समेशन, कहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 1 से लेके एन तक स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई अभी बताऊंगा, आई क्या है, ए आई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई कि भाई अब क्या होगा, आप जो भी एक्सपेरिमेंट उठाना चाहते हैं वो आप यहां पर रख दीजिए, 100 उठाना चाहते हैं तो 100 आ जाएगा, तो यहां पर ए 100 हो जाएगा अपॉन में टोटल जितने भी होंगे वहां पर। ये वाली बात क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बात चल रही है बेटा एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर असल में होता क्या है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अगर मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे कि भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट या एक मेजरमेंट करा जिसको मैंने नाम दिया ए वन, ये वाली बात क्लियर होगी बेटा, उसमें एक छोटी सी एक एरर आ गई लेट सपोज, जिसका जिसको मैं बोलूंगा डेल्टा से, डेल्टा ए वन, क्योंकि ए वन में आई है। ये वाली बात क्लियर होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जो डेल्टा ए वन है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू वैल्यू जो ए वन है माइनस में ए मीन। ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई बेटा कि क्या कहेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ए मीन, क्लियर हो गई। तो वो क्या होती है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर कहलाई जाती है। अगर मैं बात करूं बेटा डेल्टा ए टू, तो ये क्या हो जाएगी, ए टू माइनस ए मीन, ठीक है, डेट 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 डेट। अगर बात करूं बेटा डेल्टा ए एन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए एन माइनस में ए मीन, समझ पा रहे हो, आ रही बस उनमें, क्लियर हो गई ये चीज। तो एब्सोल्यूट एरर हमारी ये होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई इनकी भी मीन की बात करें, इनका भी तो मीन निकल सकता है। अच्छा एक चीज और है बेटा, जो एरर आती है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ट्रू वैल्यू से, नहीं समझे। लेट सपोज भाई कोई भी मेजरमेंट करिए हमने, है ना, जैसे 2 सेंटीमीटर की कोई मेजरमेंट करिए या 2 मिलीमीटर की कोई हमने जो है मेजरमेंट करी, तो वो कम भी हो सकती है, ठीक है, और ज्यादा भी हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलस, क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस, किसके साथ, एब्सोल्यूट एरर के साथ। कहने का मतलब यह है जो भी एब्सोल्यूट एरर होगी उसको हम मॉड्यूलस पर लिखेंगे। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा जो वैल्यू होगी वो हमेशा किस में आएगी बेटा, पॉजिटिव में आएगी, ये नेगेटिव नहीं होगी। ये वाली बात आपने समझ में, अच्छे से समझ में आ गई। अब भी डेल्टा ए वन की वैल्यू आ गई मेरे पास, डेल्टा ए टू की वैल्यू आ गई, डेल्टा ए थ्री की आ गई, डेल्टा ए फोर की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू निकलती चली जा रही है, तो क्या मैं इन सबका मीन निकाल सकता हूं बिल्कुल सिमिलरली इनकी तरह, आ रही है बस उनमें, कैसे निकालेंगे, चलो वो चीज भी देख लेते हैं कि भाई
हमने क्या किया, इसको रफ कर रहा हूं बेटा थोड़ा सा, के डेल्टा ए मी, ठीक है, इसको मॉडुलस में रख देते हैं। अब क्या कर सकता हूं मैं, डेल्टा ए मीन क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे सिमिलरली हमने यहां पर किया था पहले, तो वो क्या करवा था हमने कि भाई डेल्टा ए वन प्लस में डेल्टा ए टू प्लस में डेल्टा ए एन, और अपॉन में क्या जाएगा टोटल जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये वाली बात क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक समेशन के फॉर्मूले के साथ लिख लेंगे शॉर्ट में। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, समेशन i बराबर में 1 और m तक जा रहा है हमारे पास, और क्या हो जाएगा डेल्टा ए आई अपॉन में n। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा ए। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई चीज, ठीक है। तो यही थी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो तो अब जो शुरू करने वाले हम रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है बेटा, कि द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी वोल्टेज हो जाए, करंट हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो हमने मेजर करा हुआ है उसका रेशियो होता है डेल्टा ए मीन अपॉन में क्या हो जाएगा ए मीन। तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, क्वेश्चन में किस तरह से आएगा बेटा कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे दिए जाएंगे, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। ऑब्जर्वेशन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको कहा जाएगा कि रिलेटिव एरर फाइंड आउट करिए, ठीक है। लेकिन फिर आपको डेल्टा ए मीन भी निकालना पड़ेगा और ए मीन भी निकालना पड़ेगा। तो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, ए मीन मान लो 4 या 5 एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट हुए, ठीक है, तो हम उनको ऐड करके और लेट्स सपोज 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ए मीन निकल के आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर आ रही है। और ए मीन जैसे ही निकल के आ जाएगा वैसे ही डेल्टा ए वन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, ए वन में से क्या करूंगा मैं ए मीन माइनस कर दूंगा। अभी मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ऐसे ही आप जितने भी होंगे, लेट्स सपोज 5 थे तो 5 का आप निकाल लोगे, 5 का निकालने के बाद उन सबका क्या कर दोगे आप मीन कर दोगे। मीन करने के बाद वो वैल्यू यहां पर रख देनी है और जो ए मीन करके निकाली होगी वो वैल्यू आपको यहां पर रख देनी है, आपके पास आ जाएगा बेटा रिलेटिव एरर। ये वाली बात क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ गई है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो निकल के आ जाता है वो क्या हो जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन इनटू में 100, कुछ नहीं हो गया आपका। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये था आपका एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई आपकी एनसीईआरटी का हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पर एक क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है, वो देखते हैं क्या कह रहा है कि वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग टर्न आउट टू बी ये, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये चीज फाइंड आउट करवाई गई है हमसे, ठीक है बेटा। तो ये जो मतलब 2.63 सेकंड, ये जो हमारे पास क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। तो जैसा हमने वहां पर A1, A2, A3 माना था ना पहले, अभी जो मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं बेटा T1, ठीक है, T2 और T3, T4 और T5। अब मेरे पास 5 मेजरमेंट दे रखे हैं, आपको यहां पर दिखाई दे रखे होंगे 5 मेजरमेंट दे रखे हैं। तो क्या मैं इनसे टी मीन निकाल सकता हूं? टी मीन क्या करूंगा बेटा, सबको ऐड कर दूंगा अपॉन में डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, क्योंकि 5 ही मेरे पास एक्सपेरिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा T1 प्लस में T2 प्लस में T3 और प्लस में T4 और प्लस में T5 अपॉन में 5। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो टी मीन आप देख लो, जब ऐड करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2.62 सेकंड। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए अब हमें क्या जरूरत पड़ रही थी, वहां पर हम क्या निकाल रहे थे, डेल्टा ए वन
इसी तरह से ही हमें यहां पर डेल्टा T1 भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा T2 भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा T3 भी निकालना पड़ेगा और डेल्टा T4 भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा T5 भी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता था T1 में से T mean माइनस कर दो, T1 में से T mean माइनस कर दो, मतलब इसमें से आपको ये चीज माइनस करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, जब आप इसे माइनस करोगे तो 0.01 सेकंड, और इसमें करोगे तो ये आ जाएगा -0.0 सेकंड, और थर्ड में आ जाएगा बेटा आपके पास ये माइनस में आ रहा है 0.06 सेकंड, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और T4 में आ जाएगा आपके पास 0.09 सेकंड, और फिफ्थ में आ जाएगा 0.18 सेकंड। तो हमारे पास बेटा वैल्यूज आ गई हैं डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5 की वैल्यू आ गई है, क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ माइनस में भी आ रही है, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था इससे जूझने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ रही थी, वो क्या करनी पड़ रही थी, हम इन सबको जो डेल्टा मतलब डेल्टा T1 डेल्टा T2 थे उनको हम मॉडुलस में लिख रहे थे, ये वाली बात क्लियर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज और अपने आप ही क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। तो अब हमारे पास ये मेजरमेंट आ गई है, क्या हम डेल्टा T mean निकाल सकते हैं, और वो कैसे करेंगे कि इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो डेल्टा T mean आपके पास जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 0.11 सेकेंड। ये वाली बात क्लियर हो गई हर बच्चे को, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है बेटा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी कर देता हूं। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को बेटा, ये चीज आ गई, ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम करेंगे कि रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेटिव एरर से हमसे निकलवाया गया है, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा T mean अपॉन में T mean, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा T mean की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये आई है 0.11, और T mean की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 2.62। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज एरर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा परसेंटेज एरर भी आ जाएगी। अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ये चीजें, ठीक है। तो बाकी जो बाकी का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और यहां तक अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।